बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से। आज साथियों, मैं आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक दोस्तों, जो कक्षा 12 की NCERT पुस्तक है, जिसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये पुस्तक है दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति से संबंधित, कक्षा 12 की NCERT पुस्तक है। इस पुस्तक से संबंधित जानकारी लेने से पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी पुस्तक के बारे में आपको जानकारी दी है। सबसे पहले साथियों, ये 11 की दो पुस्तक है, यहाँ पर एक पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत और एक ये वाली जो पुस्तक है ये है भारत में संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ये दोस्तों कक्षा 11 की दो पुस्तक है। इन प्रत्येक पुस्तक का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। कक्षा 6 की भी पुस्तक को अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से उसके टॉपिक बताए गए हैं। कक्षा 7 की जो ये पुस्तक आप देख रहे हो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। कक्षा 8 की जो गाइड है इसमें कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो भी मैंने आपको बताया है। कक्षा 9 वाली ये जो गाइड है कक्षा 9 की, इसके बारे में भी जानकारी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कक्षा 10 की ये वाली जो गाइड है इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी साथियों, ये जितनी भी मैं आपको गाइड दिखा रहा हूँ इनसे संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण गाइड आती है एम लक्ष्मीकांत, ये नया वाला एडिशन है, छठा संस्करण। एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। उसके बाद में साथियों, अगर किसी के पास ये एम लक्ष्मीकांत पुराना एडिशन 5th एडिशन अगर है तब भी साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नया वाला जो एडिशन आया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और जो नए शामिल हुए हैं, नए ऐड हुए हैं, उनको उसमें शामिल किया गया है। ये है साथियों भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। इसके अंदर दोस्तों अभ्यास के लिए 1600 प्लस MCQs है, दृष्टि IAS की पुस्तक है। ये दोस्तों पुस्तक पढ़ने के बाद MCQ जितने भी होते हैं इंडियन पॉलिटी के, वो आपको टॉपिक वाइज इस पुस्तक से कवर हो जाएंगे। NCERT सार, ये है साथियों भारतीय संविधान और राज व्यवस्था से संबंधित NCERT सार, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, महेश कुमार वर्णवाल सर की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसको भी आप इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये है भारत का संविधान एक परिचय, DD वसु की। ये पुस्तक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। IAS के जो ये टॉफर्स नोट्स है इसके अंदर भी दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था या फिर राजनीति विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा मंथन की ये गाइड है, इसमें भी भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी दी गई है। RS से संबंधित अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तब भी दोस्तों भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है ये। अब साथियों, ये जितनी भी गाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी राजनीति विज्ञान से संबंधित है, यानी इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए ये इतनी गाइड जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इनमें से आपके पास में कौन सी गाइड है? अगर ये इनमें से एक भी गाइड नहीं है, दूसरी कोई गाइड है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता रहे। और दूसरी बात, आपके पास जो गाइड है वो सबसे बेस्ट गाइड है। कभी भी ये मत सोचिए कि यार ये पुस्तक ख़राब है। किताब कोई भी ख़राब नहीं होती, किताब का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग स्तर होता है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लेवल की कौन सी है? DD बसु, एम लक्ष्मीकांत या फिर NCERT सार वगैरह, ये पुस्तकें हैं। बाकी दोस्तों अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लेवल की जो पुस्तक है वो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन साथियों, अगर आप
तैयारी कर रहे हैं आईएएस की और आपके पास में उस लेवल की गाइड नहीं है, तब आप क्या कहेंगे कि ये पुस्तक सफिशिएंट नहीं है। तो यही है दोस्तों कि कोई भी किताब ख़राब नहीं होती, किताबें सभी महत्वपूर्ण हैं, अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है ये जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। ये जो पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे या समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे यानी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में साथियों आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो इंडियन पॉलिटी के संबंध में है, यानी जो इससे पहले मैं पुस्तक दिखाई वो तो पूरी सेपरेट इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, उसमें उससे अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। ये पुस्तक इतनी बड़ी है, इसमें सभी शामिल है, इतिहास भूगोल सब शामिल है, लेकिन इसके अंदर राजनीति विज्ञान भी शामिल है, इसलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सामान्य अध्ययन जो कि दोस्तों 2021 लेटेस्ट वर्जन मनोहर पांडे का अरियंत पब्लिकेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है और ये है साथियों अरियंत पब्लिकेशन की 600 और ये क्या है 1360 रुपये इसमें लिखा है एमआरपी, लेकिन दोस्तों ये आपको कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों आप इस गाइड को भी परचेज कर सकते हो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए साथियों ये है दिशा पब्लिकेशन की 10,000 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। आपके पास में कौन सी गाइड है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो भी एक बहुत ही बेस्ट गाइड हो सकती है, लेकिन आपको सदुपयोग करना है, उसका रिवीजन करना है और उसमें जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको गूगल बाबा पे जाकर सर्च कीजिए और उसी में करेक्शन करके पेन से लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, नोट्स उसी में बना लीजिए, क्या दिक्कत है। अब साथियों ये पुस्तक पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, प्रत्येक जो पर्सन है उसकी व्याख्या विस्तार के साथ की गई है, 2021 का नया लेटेस्ट वर्जन है ये और ये 990 रुपये की है। यानी साथियों अगर आपके पास में वो पॉलिटी की सेफरेट बुक जो मैंने आपको बताई थी वो नहीं है और इनमें से कोई भी गाइड है, तब भी आप किसी भी वनडे एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सी गाइड है। अब चलते हैं साथियों सीधे कहाँ पे, एनसीईआरटी कक्षा 12, इसमें दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों और एनसीईआरटी पर आप भरोसा कर सकते हो, बाकी किसी पे करो ना करो लेकिन एनसीईआरटी पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय पुस्तक होती है, इसमें गलती की संभावना न के बराबर होती है, होती नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियाँ हो जाती है, हो सकता है राइटर के द्वारा हो जाए, हो सकता है राइटर के द्वारा न होकर के जो टाइप करते हैं उनके द्वारा या प्रिंट करते समय कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए साथियों कभी भी ये मत सोचना कि ये गाइड गलत है, इसमें गलतियां ज़्यादा होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या हमारे अंदर गलतियां नहीं है, सब में होती है, लेकिन आप सबको पता है उन गलतियों को सुधार करते हुए बार बार गलतियाँ करनी ये भी एक आपको पता है क्या होता है उसका परिणाम। तो आज साथियों आपने अब तक जो भी गलती की है जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिली है, आप असफल हुए हों, तो साथियों आज आपके पास फिर से मौका है, टाइम मैनेज कीजिए, समय को अच्छे से सदुपयोग कीजिए और ये जो गाइड है इसमें क्या है, सबसे पहले साथियों हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अध्याय एक में राष्ट्र निर्माण से संबंधित चुनौतियों के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया है एनसीईआरटी में। बाकी अगर डायरेक्ट आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इससे संबंधित आपकी जानकारी अधूरी हो जाएगी, वो जानकारी एडवांस लेवल की है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ ये एनसीईआरटी पुस्तक पढ़नी है। एक दल के प्रभुत्व का दौर कौन सा था उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों नियोजन और विकास से संबंधित राजनीति इससे संबंधित जानकारी दी गई है। भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कांग्रेस की कार्य प्रणाली क्या थी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय, चुनौतियां क्या थी सब इसमें बताया गया है विस्तार के साथ, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट ये भी दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है। उसके बाद में जन आंदोलनों का उदय कैसे हुआ, यानी जो आंदोलन होते हैं वो कब शुरू हुए,
कहाँ से शुरू हुए, आंदोलन क्यों होते हैं, वो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। क्षत्रिय आकांक्षाएं, इनके बारे में जानकारी दी गई है, और भारतीय राजनीति एक बदलाव, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब साथियों, ये जो एनसीईआरटी पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से सदुपयोग किया गया है। प्रत्येक जहाँ छायाचित्र की जरूरत है वहाँ छायाचित्र लगाया गया है, जहाँ कार्टून की जरूरत है वहाँ कार्टून के माध्यम से समझाया गया है, जहाँ मैप की जरूरत है वहाँ मैप लगाया गया है। यानी 100 बातों की एक ही बात है दोस्तों। जैसे ये देखो जम्मू कश्मीर का है, मतलब ये है कि साथियों आप अगर एनसीईआरटी की ये वाली जो गाइड अगर पढ़ते हैं तो आपको इसमें एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसमें? एग्जाम में, जो भी आप तैयारी कर रहे हो राजनीति विज्ञान से संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से दोस्तों इसमें मैप का इस्तेमाल किया गया है। अगर दोस्तों आप प्रत्येक गाइड को जो एनसीईआरटी पुस्तक में बता रहा हूँ उनको चार चार पांच पांच बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए, तब जाकर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। अब साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है और मेरी ये जो छोटी सी मेहनत है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे भाई बहन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिए। और हमेशा अपने माइंड में एक ही बात रखें कि जो पुस्तक मेरे पास है सबसे बेस्ट है, उसी को पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, उसमें जो भी त्रुटियां उसको गूगल से सर्च करके लिखूंगा, उसमें नोट्स बनाऊंगा। करंट अफेयर से संबंधित अगर कोई भी घटना घटती है, जैसे राष्ट्रपति का आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हो सकता है इस पुस्तक में कुछ और बताया गया है लेकिन वर्तमान समय में कुछ संविधान में संशोधन करके कुछ और प्रावधान कर दिए गए, उसी में ऐड कर लीजिए आप। तो ये तो आपकी काबिलियत पर निर्भर करती है आपकी सफलता, और अपनी काबिलियत को बनाने के लिए दोस्तों आपको लगातार मेहनत करनी होगी। तो पढ़ते रहिए साथियों, मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नई आशा के साथ अगले वीडियो में फिर से। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।